नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं वेज नूडल्स की रेसिपी, जो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन खाने में ये मार्केट के नूडल्स से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं वेज नूडल्स की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम नूडल्स है ये, और सब्ज़ी के लिए लिया है मैंने वन कप लिया है कैबेज, हाफ कप मैंने कैप्सिकम लिया हुआ है जिसको मैंने पतले पतले स्लाइस में कट करके रख लिया है, और हाफ कप ही मैंने कैरेट लिया हुआ है जिसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, और एक मीडियम साइज़ का अनियन है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है बारीक टुकड़ों में, और साथ ही मैंने वन टी स्पून गार्लिक लिया हुआ है, लहसुन। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं नूडल्स को बॉयल कर लूँगी। इसे बॉयल करने के लिए मैंने पहले से ही गैस को ऑन करके इसके ऊपर मैंने पानी चढ़ा दिया हुआ था। पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो चलिए मैं इस नूडल्स को डाल देती हूँ। मैंने नूडल्स को डाल दिया हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूंगी सॉल्ट हाफ टी स्पून, और इसे मैं अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक पकने दूंगी। नूडल्स को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसी स्टेज पे, ये 90% तक कुक हो चुका है, तो अब मैं इसे स्टेज पे इसको ड्रेन कर लेती हूँ, इसके पानी को मैं छान लेती हूँ। मैंने नूडल्स को गर्म पानी से छन्नी में छानने के बाद इसे ठंडे पानी से धोकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये 2 मिनट रेस्ट कर रहा है, तब तक मैं इन सब्ज़ियों को फ्राई कर लेती हूँ। सब्ज़ी फ्राई करने के लिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है। कढ़ाई में मैंने लगभग 2 टीस्पून जितना ऑयल डाल दिया हुआ है। ऑयल बहुत अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाए, तब मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले गार्लिक लहसुन को डालूँगी। लहसुन को मैं 2 सेकेंड तक हल्का फ्राई होने दूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी अनियन। अनियन डालने के बाद मैं इसे 10 सेकेंड तक फ्राई कर लूँगी। अनियन को मैंने 10 सेकेंड तक फ्राई करके रेडी कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें इन सभी सब्जियों को मैं एक साथ ही डाल दूँगी। मैंने सभी सब्जियों को डाल दिया हुआ है। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ये पूरी कुकिंग जो है हाई फ्लेम पे ही करनी है इसे। सब्जियों को फ्राई करते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। मैंने नूडल्स फ्राई करते समय भी नमक डाला था। मैं डालूँगी हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक है, क्योंकि मैं इसमें सॉस वगैरह भी डालूंगी, तो उस सॉस के अंदर भी नमक होता है। और साथ ही मैं डाल दूंगी फ्रेश कुटा हुआ ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर लगभग 1 टीस्पून जितना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इस रेसिपी में मैंने जो सब्ज़ी का इस्तेमाल जितने क्वांटिटी में किया है, आप अपने पसंद के हिसाब से सब्ज़ी को घटा बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नमक और काली मिर्च को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें नूडल्स। नूडल्स डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस।
साथ ही मैं डालूंगी 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें लगभग 1 टीस्पून विनेगर। साथ ही मैं डाल दूंगी टोमेटो केचप। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दूंगी और इसे 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है चलाते हुए। मैंने इसे लगभग 2 मिनट तक चलाते हुए भून के रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। इस तरह से मैंने थोड़े से स्प्रिंग अनियन के साथ इस नूडल्स को, वेज नूडल्स को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इस नूडल्स के अंदर ग्रीन चिली या रेड चिली का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। एक टिप्स मैं ज़रूर दूंगी, इस नूडल्स को बनाते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप नूडल्स उबालते हैं उस समय नूडल्स को 100% नहीं उबालना है, इसे 80% या 90% तक ही उबालना है। उसके बाद जब इसे पानी, गर्म पानी से ड्रेन करते हैं, गर्म पानी से इसे छानते हैं, उसके बाद इसमें तुरंत ही ठंडे पानी से इसे अच्छी तरीके से धो दें ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और अच्छे तरीके से धोने के बाद उसे 2 से 3 मिनट तक के लिए रेस्ट करने दें, उसके बाद ही इसे कुक करें। ऐसा करने से नूडल्स जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। इस तरह से, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस नूडल्स की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी बनाने और खाने में कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।